कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं को कोविड के वैक्सीनेशन का ऐलान किया था, जिससे युवा वर्ग को कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सके। जिसके तहत उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के दौरान 7 जिलों में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया, जिसमें जनपद के 10 केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। जिसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत मालेकर ने बताया कि गोरखपुर जनपद में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए 2000 डोज वैक्सीन आया है, जो औपचारिक रूप से विभिन्न केंद्रों पर लगाया गया। जल्द ही बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत मालेकर ने बताया, वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन गोरखपुर जनपद में, मंडल के यदि जनपदों की बात करें तो गोरखपुर जनपद में आज स्टार्ट हुआ है। लगभग मुझे बताया गया है कि 2000 वैक्सीन की डोजेज आज हम देंगे, लेकिन ये बहुत ही गुना संख्या में इसकी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन हमारे पास आ रहे हैं। आज हम लोगों ने सिम्बॉलिक तौर पर कुछ साइट सेशन साइट पर किया है और इसको हम बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। और हम आश्वस्त करते हैं कि 18 से 45 का जो आज से लॉन्च हुआ है और 45 साल के प्लस जो लॉन्च हुआ है, उसको हम शीघ्रता के साथ, जिनका जब नंबर आएगा उनको हम वैक्सीनेट करके कवर करेंगे।